मुंबई थाने पालघर में अगले कुछ दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, रायगढ़ में रेड अलर्ट। आज मुंबई में पूरे दिन हुई झमाझम बारिश। मुंबई के रेरोड इलाके के झोपड़पट्टी में लगी भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट के चलते लगी आग। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक साथ आए, शिंदे गुट के विधायकों ने ठाकरे की तरफ बढ़ाया दोस्ती, कहा शिवसेना का संघर्ष खत्म होगा क्या, इस पर सबकी नजर। शिंदे ठाकरे एक साथ आए तो शिवसेना बढ़ेगी, शुभेच्छा और आशीर्वाद देके हमारे साथ आए उद्धव ठाकरे। शंभुराज देसाई और शाहजी पाटिल ने उद्धव ठाकरे से की अपील। कौन बनेगा करोड़पति में लाल सिंह चड्ढा का प्रमोशन करने पहुंचे आमिर खान, लोगों ने ट्विटर पर ट्रेंड किया बॉयकॉट केबीसी। बॉयकॉट की खबरों के बीच आमिर खान की फिल्म की जबरदस्त कमाई, एडवांस बुकिंग में लाल सिंह चड्ढा ने कमाए 8 करोड़ रुपए। मुंबई में एक बार फिर नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने पर टोइंग शुरू, पूर्व पुलिस कमिश्नर के वाहन को टो ना करने के आदेश को नए पुलिस कमिश्नर विवेक पंसलकर ने किया रद्द। दीपक केसरकर को नौकरी चाहिए तो मेरे यहाँ ड्राइवर की जगह खाली है, नलेश राणे ने शिंदे गुट के प्रवक्ता पर साधा निशाना। औरंगजेब का गुणगान करने वाले अबू आजमी को महाराष्ट्र से निकाल फेंको, संभाजी राजे का हमला। महाराष्ट्र में 15 अगस्त तक कैबिनेट विस्तार संभव, फडणवीस को मिलेगा गृह मंत्रालय। विरार में एक चाइनीज दुकान में ब्लास्ट, एसी गैस सिलेंडर सुरक्षित, ब्लास्ट का कारण स्पष्ट नहीं। दोस्त बन गया दुश्मन, गांजा पीने को लेकर हुए विवाद में की हत्या, वर्सोवा पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अमरावती के उमेश कोले मर्डर मामले का कट्टर इस्लामिक संगठन पीएफआई से कनेक्शन, एनआईए का बड़ा खुलासा। पश्चिम रेलवे 8 अगस्त से एसी ट्रेनों की 8 और सेवाएं शुरू करेगी, फिलहाल पश्चिम रेलवे 40 सेवाएं सप्ताह के दिनों में और 32 सेवाएं रविवार को चलाती है। अकाशा एयर ने भरी अहमदाबाद के लिए पहली उड़ान, विमान में राकेश झुनझुनवाला को देख लोग लेने लगे सेल्फी। शिवसेना के थाने प्रमुख केदार दिघे को रेप केस में राहत, मुंबई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत। काला जादू के चक्कर में माता पिता ने 5 साल की बेटी को पीट पीट कर मार डाला, नागपुर की घटना। नई मुंबई मेट्रो में सफर करने के लिए लगी देरी, मुंबई वासियों में दिखी नाराजगी। नागपुर एयरपोर्ट पर विमान का मेंटेनेंस कर रहे 2 इंजीनियरों पर गिरी बिजली, एक की हालत गंभीर। मुंबई में एक छोटे से झगड़े पर अपने ही साथी मजदूर की हत्या करने पर तुले 4 मजदूर, पुलिस ने किया गिरफ्तार। नीति आयोग की बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आखिरी लाइन में, एकनाथ शिंदे को आखिरी लाइन में खड़ा करना गलत, फोटो ट्वीट कर रोहित पवार ने केंद्र पर साधा निशाना। औरंगजेब के दरबार में दूसरे लाइन में खड़े करने पर शिवाजी महाराज ने सभा छोड़ दी थी, एकनाथ शिंदे को भी वहां से बाहर निकल जाना चाहिए था, जयंत पाटिल का हमला। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, महाराष्ट्र के 2 अनमोल रतन फ्रेंडशिप डे के अवसर पर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ ट्वीट की फोटो। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का परचम, अब तक 17 गोल्ड 13 सिल्वर, मेडल टैली में 4th नंबर पर भारत। बोरीवली में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से चोर ने चुराया लैपटॉप और मोबाइल, एमएचपी पुलिस ने 7 घंटे में किया गिरफ्तार। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।